और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल में कोरोना के दो नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भोपाल में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अब 3 तक पहुंच चुकी है। तीनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है ये भी जानकारी है, और इसी वजह से शायद उनके कोविड पॉजिटिव आने के भी संकेत मिल रहे हैं। तो भोपाल में कोरोना के दो और मरीज मिल चुके हैं और कुल जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 3 पहुंच गई है। इस वक्त आपको बता दें कि एक्टिव केसेस भोपाल में 3 पहुंच चुके हैं और तीनों ही जो मरीज हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, यानी उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा की है। कोरोना से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना के 2 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमित 71 साल की महिला और 11 महीने की बच्ची फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है, डॉक्टरों की निगरानी में है, और जानकारी के मुताबिक दोनों कोविड मरीज अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। 71 साल की एक महिला है और 11 महीने की एक बच्ची कोविड पॉजिटिव पाई गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच WHO ने कोविड पर नई चेतावनी जारी कर दी है। WHO के मुताबिक 28 दिनों में कोरोना से 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोविड के नए मामलों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस दौरान 8,50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो कोविड को लेकर चिंता जाहिर की गई है WHO की तरफ से। एक महीने के अंदर 52% की बढ़ोतरी की जानकारी WHO ने दी है। WHO ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए ये बात कही है कि दुनिया भर में कोरोना से इस वक्त हालात खराब हो सकते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे इससे बचाव संभव है, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि दुनिया भर में पिछले 28 दिनों में कोविड से 3,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले एक महीने में कोरोना के नए मामलों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही WHO ने इन्फ्लुएंजा संक्रमित से संपर्क में आने पर भी टेस्ट कराने की सलाह दी है और दुनिया भर में लोगों से WHO के कोरोना के नियमों के पालन की भी अपील की गई है और लोगों से साथ ही सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनने और ऐसी जगह जहां पर भीड़ ज्यादा हो वहां से दूरी बनाने की अपील भी WHO ने की है। और देश के कई राज्यों में कोरोना का JN.1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, हालांकि इस वेरिएंट की वजह से कोरोना तेजी से जरूर फैल रहा है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब लीनेज है और केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन जो भी डेटा आया है उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं है जैसे आपने कहा डेल्टा टाइम में था, क्योंकि ज़्यादातर जो लक्षण हैं वो अपर एयरवेज के हैं, यानी जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, खांसी, बॉडी एक्स, जो हम डेल्टा वेव में देखते थे कि वायरल निमोनिया हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, ऐसा इस वेरिएंट के साथ नहीं देखा जा रहा। तो ये एक माइल्डर वेरिएंट है, लेकिन ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा फैल रहा है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेरिएंट थे उनको ओवरटेक करके ये ज़्यादा डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है, कई देशों में ये देखा गया है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है,